तो आतंकवाद को जन्म देने वाले यही सब देश हैं पहले ये डिसाइड करें कि इनके नजर में आतंकवाद की परिभाषा क्या है कौन डर रहा है डर कोई नहीं रहा डर रहा है सिर्फ अमेरिका और इजराइल हालत खराब है कुछ सनातनी ऐसे है जो इसराइल का समर्थन करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता की वो भी गाय खाता है वो ज्यादा बीफ खाता है अब सनातनी होकर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं वो एक मुस्लिम कंट्री है तो क, जो अंधभक्त साथ दे रहे हैं इसराइलियों का वो उनका बाप है क्या ये वही मनवादी लोग हैं जो अपने यहाँ पे दलित को सम्मान ना देने वाले यहाँ के लोगों को मंदिर घुसने नहीं दे रहे। है। से के से। में बोलने वाले मणिपुर में सेकंड निकला उनके से क्या उनकी सरकार है नू दंगा हो गया कहा थे आप लोग कौन सा परिवार जो सड़कों में आप नहीं आ पाए भाजपा के विधायक वहां बयान दे रहा है कि मस्जिदों गुरुद्वारों को तोड़ देना चाहिए तुम्हारे बाप की देश है पर इस बार पांच राज्यों के चुनाव में राम मंदिर लाने के बाद यह साबित हो गया कि मोदी मैजिक फिनिश्ड मोदी ये संगी कभी नहीं चाहे थे किसी मुद्दे को खत्म करने आज मंदिर बन गया है अपने काम के नाम पे वोट मांगो जो अपने काम किए आप बहन बेटियों के नाम पे वोट मांगो जो अपने काम किए मध्य प्रदेश में एक दलित आदिवासी मुंह कौन था भाजपा नेता नहीं था ये इन्हें नया भारत है ये वही मनवादी लोग इसराइल जा रहे हैं जो दलित आदिवासी को अपना नहीं मानता अपने देश के लिए इनके लिए मुंह से आवाज नहीं आएगी मुंह का लकवा मुंह का कैंसर हो जाता है बाकी लोगों की चिल्लाए अपनी पत्नी पे ध्यान न दे सके अगर शादी के बाद मन की बात पत्नी से कही होते तो आज हमें रेडियो में मन की बात सुननी ना पड़ती मत करिए आप फिलिस्तीनी अपनी लड़ाई अपने हक की लड़ाई अपनी जमीन लड़ रहा है इसलिए हम फिलिस्तीनी के साथ हैं अगर हम फिलिस्तीन के साथ नहीं देंगे तो क्या हम अंग्रेजों के साथ मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है कट्टर सनातनी तो जिस तरीके से पिछले बीते दिनों से एक महीना हो चुका है और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है वहीं फिलिस्तीन फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीन के साथ में सत्तावन देश जो है सत्तावन इस्लामिक कंट्रीज वो अब फिलिस्तीन के साथ आ चुकी हैं लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं तो उसी को

वहां पे लोगों को वहां पे समझ लीजिए मस्जिद अक्सा में लोग चढ़े हैं आज तो दो दो दिन पहले की जो न्यूज आई आप जैसे बहनों के साथ, साथ ने किस तरह से व्यवहार किया वो जिनको इज्जत बख्शे किसने नबी ने अल्लाह के नबियों के नबी ने अब आज उनके साथ मूसा सलाम की उम्मत यहूदी क्या कर रहे हैं ये उची उनसे आप कि महिलाओं को भी आपने नहीं छोड़ा बच्चों को आपने नहीं छोड़ा बूढ़ों को आपने जो तो आपने जंग के नियम माने कहा तो इसे तो आतंकवाद कहेंगे तो इसराइली आतंकवादी हैं इसराइली आतंकवादी हैं लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आतंकवादी तो वो हैं और वो आतंकवादी देश का साथ नहीं देते हैं देखिए गुड़ तालिबान बैर तालिबान अमेरिका ने ही खड़ा किया था पंडागौन हमला के पहले वो तालिबान अच्छा था उसके बाद वो खराब हो गया तो आतंकवाद को जन्म देने वाले यही सब देश हैं पहले ये डिसाइड करें कि इनके नज़र में आतंकवाद की परिभाषा क्या है एक दो टुक में मैं ये बात कह रहा हूँ फिलिस्तीन एक तरह से अगर देखा जाए तो यहूदियों को फिलिस्तीन नहीं मस्जिद अक्सा चाहिए क्योंकि इनका एक टेम्पल है हल्के सुलेमानी वहाँ बनाना चाहते हैं और इनको ताबूत सकीना की बड़ी दिल तेजी से खोजे अपोजित ताबुत सकीना क्या है यह हरी यह यहूदी जो भी सुनेगा वो पागल हो जाएगा ताबुत सकीना एक प्रकार का बक्सा था शमसाद की लकड़ी था जिसमें उसमें आदम सलाम को नाजिल हुआ था उसके बाद से लेके मूसा मूसलम ले याकूबू सलाम की जितनी भी उम्मदें थी सब क्या वो बक्सा नाजिल होते उनको पहुँचता गया अब उसमें सब नबियों की चीज़ें उसमें मौजूद हैं सभी नबियों के वो बक्सा ये लोग जंग में ले जाया करते थे ये सारी जंग जीत जाया करते थे उसमें अल्लाह का एक कहते नहीं कि भगवान की पूरी रहमत है पूरा आशीर्वाद है तो वैसे उनको उनका डर खत्म हो जाया करता था अब तो के बाद कुरान आई तो में एक नबी के आने का जिक्र हुआ वो नबी आ गए हैत मोहम्मद साहब इस मैं आपको धार्मिक कॉम्फ्लिक्ट बता रहा हूँ इनका धार्मिक कम्फ्लिक्ट है अब यहूदी कह रहे हैं कि लास्ट पैगंबर मेरे यहाँ से आएगा वो नबी को नहीं मानते मतलब अल्लाह के महबूब को नहीं मानते दूसरा कॉम्फ्लिक्ट यह है तीसरा ये है कि मस्जिद अक्सा जहाँ पे स्थिर है उसी के नीचे कह रहे हैं मेरा ताबूती सकीना वो बक्सा है वो बॉक्स है इसको ये उसको शहीद करके निकालना चाह रहे हैं तो कई लड़ाई है फिलिस्तीनी अपनी लड़ाई अपने हक की लड़ाई अपनी जमीन लड़ रहा है इसीलिए हम फिलिस्तीनी के साथ है अगर हम फिलिस्तीन के साथ नहीं देंगे तो क्या हम अंग्रेजों का साथ दें जिन्होंने हम लेकिन पर पर जिस तरीके से फिलिस्तीन की तरफ से पहला हमला किया गया था उसके बाद ही इसराइल ने जंग जारी की है लेकिन फिलिस्तीन में जो महिलाएं हैं और बच्चे वो भी अब इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं देखिये इसराइल की हालत बताइए आप लोग बार बार फिलिस्तीन को दिखा रही है अगर ये हमला हुआ भाई इस वक्त नेशनल मीडिया और गोदी मीडिया तो देख रहे हैं कि इस सरकार के शारों पे काम कर रही है यूनो में 123 देशों का समर्थन फिलिस्तीन को हुआ इसराइल को नहीं हुआ भारत ने खुद वोटिंग नहीं की अगर इतना ही भरोसा प्रधानमंत्री हो तो वोटिंग कर देते रह जाए इसराइल के पक्ष में और जब से हिजबुल्ला शामिल हुआ तब से खुद इजरायली खुफिया एजेंसियों को भी लगने लगा है कि उनके साथ अल्लाह की कुछ अदृश्य शक्ति काम कर रही है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इजरायली के पूर्व सेना प्रमुख ने यह बयान दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि हिजबुल्ला या हमास के साथ अल्लाह की कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है आप पूछे कैसे एक सौ सत्तर मिलियन डॉलर का टैंक पच्चीस सौ डॉलर का बम कैसे उड़ा सकता है नामुमकिन है ये हो रहा है अपनी ही मिसाइल अपने ही आ, सिटी में गिरा रहा है इजराइल खुद अल-तलवी जो उसका राजधानी है मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं वो खुद अलर्ट पर है तो बताइए परेशान कौन है फिलिस्तीन भाई देखो एक बार तुम प्रहार करो किसी पर वो दबेगा जब वो उठेगा तो दबना आपको और ग्यारह नवंबर के बाद बारह को आई की जो बैठक है मेरा एक प्रस्ताव है कतर के राष्ट्र शासक से बादशाह से कि हमारे आठ जवानों को छोड़ दिया जाए उसकी सजा जो भी होगी वो भारत देगा वो वहां पर उसको फांसी ना दे तो जैसे कि लेकिन ओ की बैठक के बाद समझिएगा यूआईसी की बैठक के बाद अगर वहीं कोई बड़ा फैसला हो जाता है और सिर्फ टॉप टेन ही कंट्री अपने हथियार भेज देती हैं तो इसराइल एक घंटे में आपको पूरा विश्व का नक्शा दिखेगा पर इसराइल नहीं दिखेगा नक्शे से ही खत्म कर दिया जाए तो मतलब ये लग रहा है जो बारह नवंबर को मीटिंग है ऐसे हैं जो इज़राइल का समर्थन करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता गाय खाता है वो ज्यादा बीफ खाता है अब ही हो कि फिलिस्तीन का साथ दे रहे वो एक मुस्लिम कंट्री है तो जो अंधबक साथ दे रहे हैं इसराइलियों का वो उनका बाप है क्या

हर हर जगह आपके मेरे बेटं में, में हमला हो जाना कौन डर रहा है डर कोई नहीं रहा डर रहा है सिर्फ अमेरिका और इसराइल हालत ख़राब है इनकी क्योंकि चाइना ने भी खुला कह दिया चाइना ने नक्शा रिलीज़ किया जहाँ पे फिलिस्तीन है ही नहीं बार इसराइल है ही नहीं बार बार ये मैं मुझे कहा जाएगा कि आप उस लोगों का साथ दे रहे हो जो इंडिया विरोधी है मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि विश्व की लड़ाई में कोई किसी का दुश्मन नहीं है अगर अमेरिका इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा तो रशिया और चाइना और इस्लामिक कंट्री अगर एक हो गई तो थर्ड वर्ल्ड वार जिसमें हज़ारों लोग मरेंगे ये वही मनवादी लोग हैं जो अपने यहाँ पे दलित को सम्मान ना देने वाले जाके का पैर धोके पी रहे हैं ये वही सनातनी है जो अपने यहाँ के लोगों को मंदिर घुसने नहीं दे रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन क्यों करेगा नरेंद्र मोदी आपको हिंदू राम? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्या आपको चाहिए आप बताइए नहीं ना? नहीं आप आप बताइए चलेगा संविधान से कि मनुवाद से जवाब दे दीजिए जब देश में उन्नीस में संविधान लागू हो गया तो हम उसकी इज्जत करते हैं और हम बाबा साहब को भी चरण स्पर्श करते हैं यहीं से नमन करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कानून हमारे देश में जहाँ सभी लोगों को एक साथ एक सूत्र में एक माले की तरह पिरो दिया गया तो तो एक सूत्र में लेके तो प्रधानमंत्री भी चल रहे हैं वो खुद बता रहे हैं वो ओबीसी है पहचाने जाएंगे कौन सा एक, सा, एक सबका साथ का विकास था महिलाओं को सुपनखा कपड़ पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं वो सबके साथ कहा है कहा है किसानों के साथ कहा है बेरोजगारों के साथ कहाँ हैं बताए जवाब दे क्या उन खिलाड़ी वीडियो के साथ वो थे जब उन्होंने घसीटा गया जंतर मंतर में क्या मजाक कर रहे हैं आप लोगों को खसीड लिया गया भाई आप उनकी तरफदारी कर रही हैं आप ही लोगों का अत्याचार हुआ मणिपुर में जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उनको सिर्फ सेकंड मणिपुर इजराइल में बोलने मणि इजराइल फिलस्तीन में पंद्रह घंटा बोलने वाले प्रधानमंत्री चोट टूट करने वाले मणिपुर में सेकंड निकला उनके मुंह से आवाज क्या उनकी सरकार है नू दंगा हो गया कहां थे आप लोग तो सरकार में जो बैठा आदमी है वो गलत है वो खुद चाहते क्योंकि उन्हीं से उनको वोट आ रहा है पर इस बार पांच राज्यों के चुनाव में राम मंदिर लाने के बाद ये साबित हो गया कि मोदी मैजिक फिनिश्ड, फिनिश्ड मोदी मतलब लोग खुश नहीं है क्या राम मंदिर बनने से आप बार, बार राम मंदिर क्यों लेके आ रही है राम मंदिर एक आस्था का विषय है हम राम मंदिर का सम्मान करते हैं मतलब आप खुश हैं ना राम मंदिर बनने से लेकिन राम मंदिर किसने बनवाया मोदी जी ने बनवाया है क्या, क्या ने बनवाया है कि भाजपा ने बनवाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है जमीन आवंटन की गई है और वहां हमें मिली जमीन तो मुसलमानों को भी मिली है उन्होंने नहीं बनवाया वो उनकी मर्जी है ये एक विवाद था जो खत्म होना था इसका पहला श्रेय दिया जाए राजीव गांधी को जिसने गेट खुलवाया था उन्होंने अपने बयानों में कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे उनके पास कितने सरकार चली ये संगी कभी नहीं चाहे किसी मुद्दे को खत्म करने आज मंदिर बन गया है अपने काम के नाम पे वोट मांगो जो आपने काम किए आप बहन बेटियों के नाम पे वोट मांगो जो आपने काम किए मध्य प्रदेश में एक दलित आदिवासी मूत रहा है कौन था भाजपा नेता नहीं था ये नया भारत है ये नया भारत है खिलाड़ी मीडिया चीखती रह गई धरने बैठी रह गई प्रधानमंत्री बगल से ना आ पाए ये नया भारत है मेरे परिवार का हिस्सा है वो कौन सा परिवार जो सड़कों में था और आप नहीं आ पाए खुद भाजपा के विधायक वहां बयान दे रहा है कि मस्जिदों गुरुद्वारों को तोड़ देना चाहिए तुम्हारे बाप की देश है तो अगर मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं अगर जो फिलिस्तीन में है अब इसराइल मस्जिदों पर कहा जा रहा है जो फिलिस्तीन की मस्जिद उसकी ईश्वर करता है समझ रहे हैं ना वो खुद निश्ते नाबूत हो जाएगा एक भी मिसाइल से वो कोई मस्जिद गिरा नहीं पाएगा लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसराइल बाज आ जाए लेकिन अगर मस्जिद अक्सा को जरा सा भी टच किया इसने तो ये बच नहीं पाएगा लेकिन नितिन न्या कह रहे हैं ना कि अब ये युद्ध नहीं रुकेगा तो नितने खत्म करवाना चाहते हैं मैं वहां इसराइली जनता से अनुरोध करता हूं जो प्रोटेस्ट कर रही है इस वक्त कि कीतनाओं को सत्ता से बाहर निकाले नहीं तो खुद नहीं श्रीलंका का देख लीजिएगा हाल वही होगा इतना फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति उनके ऊपर भी हमला हुआ है उनके काफिले पे फायरिंग की गई है देखिए ये तो नीच हरकत तो वो करेगा ही करेगा वो आज से उन्नीस सौ से करता आया है आप आपको नींद खुली है ये ने रिपोर्ट दी है कितने फिलिस्तीनों को मार दिया गया सारी रिपोर्ट हमारे पास है और हम जब चाहे तब को नेशनल इंटरनेशनल को कसीट के उनको सजा दिलवा सकते हैं ये इतना राइट हम भी रखते हैं संत के नाते और हमने हर मुद्दे पे हर तरह से चाहे पॉलिटिकली हो चाहे वो रिलीजन से बेस हो चाहे वो हदीस कुरान से हो मैंने सारी चीज़ें स्टडी की हैं मैंने गीता भागवत सब पढ़ा है और मैंने सब तरह से समझाने की कोशिश की है ये वही मनवादी लोग इसराइल जा रहे हैं जो दलित आदिवासी को अपना नहीं मानते आवा, अपने देश के लिए इनके लिए मुंह से आवाज नहीं आएगी मुंह का मुंह का कैंसर हो जाता है बाकी लोगों की चिल्लाएंगे किलोमीटर एक बच्चे का का रेप होने के के बाद चल के जाना वहाँ गेट ना खुलना ये बात गवाह है कि सच में हिंदुस्तान में नफरत इतनी बढ़ गई है कोई बहन बेटियों के लिए भी रक्षा के लिए घर गेट नहीं खोल रहा है लेकिन वही मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हम महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं आरक्षण ला दिया अपनी पत्नी पे ध्यान न दे सके अगर शादी के बाद मन की बात पत्नी से कही होते तो आज हमें रेडियो में मन की बात सुननी ना पड़ती मत करिए आप सूफ नखा पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड जिस शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया है उनको माफी मांगनी चाहिए अगर यही सोनिया गांधी मुकदमा की होती तो आज ये जेल में होते जैसे राहुल गांधी दस्तारत दस्तार्त हो जाती क्या कर लेते ये फिर ये एक सांसद मुल्ला बोलता है वो प्रभारी बनाया जाता है राजस्थान का कैसे लोगों को अपना पा रही है भाजपा में क्या भाजपा का रामराज और क्या भाजपा की नीति कोई जवाब दे हमें कि भाजपा किस तरह से हिंदुत्व किस तरह से रामराज और किस तरह से अपने प्रभावित करना चाहती है उसका कोई मिशन है कि मजाक है वो शांतिपूर्वक काम करना चाह रही है कौन शांतिपूर्ण काम नू वाला शांतिपूर्ण काम कि मणिपुर का शांतिपूर्ण काम आप जवाब दीजिए तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं समझिए बुझिए फिर देखिए फिलिस्तीन जीतेगा और वो अपने जमीन की लड़ाई तरीके से आपको लग रहा है ये जो सत्तावन देश एक साथ आ गए हैं तो इस्लामिक वर्सेस इसराइल हो, होते हुए नजर आ रहे देखिए यहूदी मूसा और ईसा की उम्मदें एक साथ हो गई हैं अब नबी की उम्मे हजरत मोहम्मद साहब की उम्मदें एक हो रही हैं देखते हैं क्या होता है लेकिन मैं ये चाहूंगा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसराइल पीछे जाए और युद्ध बंद हो चाहे इसराइल के लोग मरे चाहे फिलिस्तीन में लोग मरे चाहे विश्व में कहीं मरे का कत्ल हो रहा है अब कुरान भी इस बात को कहता है कि एक इंसान नकत्र पूरे इंसान का कत्ल है इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ बहुत बहुत धन्यवाद तो हमने इनकी बातें सुनी इन्होंने बहुत सूझबूझ से जवाब दिया है और कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन और इनके बीच युद्ध हो रहा है ये भी रुकना चाहिए और जो 12 नवंबर को मीटिंग होने वाली है उसमें भी शायद अगर मीटिंग में ये आ, आ, डिसाइड हो जाता है तो शायद इसराइल को खतरा होने खतरा हो जाएगा तो ये भी नज़र आ रहा है अब देखते हैं बारह नवंबर की मीटिंग में क्या होता है सत्तावन देश क्या फ़ैसला लेते हैं आपकी क्या राय हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहे जन्यतावाद